शाम की 4 बजे की क्लास के लिए हम लोग इकट्ठा हो गए हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जल्दी से बताइएगा मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। शाम की 4 बजे की क्लास जिसमें हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जल्दी से सुशीला बेटा गुड इवनिंग, मुझे बता दो मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक। चलो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मेरी आवाज आपके लोगों के पास तक पहुंच रही है। ठीक है आदिति बेटा गुड इवनिंग, श्रेया आदित्य गुड इवनिंग, प्रभाकर बच्चे गुड इवनिंग। देखो साथ ही साथ मैंने आप लोगों को आपकी क्लास के लिए YouTube का लिंक भी दे दिया है। संगीता गुड इवनिंग बेटा, ठीक है चलो भाई है ना। तो जल्दी जल्दी सब बच्चे YouTube पर भी जो बच्चे हैं हमारे फटाफट जल्दी से जल्दी ऐड हो जाओ क्लास में, ताकि हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर सके। ठीक है बच्चों, चलो तो फटाफट ऐड हो जाओ, जुड़ जाओ सब लोग। मनीष रीता सुमित गुड इवनिंग, रोहित गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है देखिए मैं आपको रोज बताता हूं ये क्लास शाम 4 बजे और आपको एक क्लास शाम 6 बजे, यानी दो क्लास आपको YouTube पर मिलेगी, एक शाम 6 बजे और एक शाम को 4 बजे। 4 बजे वाली क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए भाई तो अब आप लोग ने बता दिया कि आवाज आप लोग के पास तक पहुंच रही है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। रंजना राके आकाश गुड इवनिंग बच्चे। चलो भाई तो देखो अगर हम लोग अपने नियर बाय एग्जाम की अगर बात करें तो देखो यूपीपीसीएस 2021 का है जो कि 13 जून को है, यूपीपीसीएस आरओआरओ जो कि 1 अगस्त को है, एमपीपीसीएस 2020 इसको ध्यान से देखिए, मैंने इसको कुछ ज्यादा ही डार्क कर दिया है। ठीक है इसकी डेट कल जो नोटिफिकेशन आया, गोल्डी बेटा गुड इवनिंग एंड शार्क गुड इवनिंग। ठीक तो एमपीपीसीएस 2020 का डेट यानी एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ये पहले 11 अप्रैल को होने वाला था, अब इसको 20 जून को कंडक्ट कराया जाएगा जो कि अभी एक टेंटेटिव डेट है ना। तो जो बच्चे एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों में से आपके साथियों में से तो लगभग लगभग सब लोग अपडेट हो चुके हैं, तो अच्छा मौका मिल गया है। तो एमपीपीसीएस 2020 का जो एग्जाम होगा वो अब 20 जून को होगा है ना। वैसे एग्जाम को 2020 में ही होना था लेकिन कोविड की इशू की वजह से ये 2021 में 11 अप्रैल को और फिर कोविड की वजह से एक्सटेंड कर दिया गया 20 जून को, ठीक है ना। हाँ निधि बेटा गुड इवनिंग। चलो भाई एमपीपीसीएस 2021 की अगर बात करें 2021 की अगस्त में शुड बी पॉसिबल कि शायद ये भी अभी तो नहीं लेकिन हो सकता हो कि ये भी कुछ दिनों आगे बढ़ा दिया जाए या ले भी लिया जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जेपीएससी की अगर बात करें तो ये आपका 2 मई को पेपर है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो ये आपका मई और जून में होने वाला है। 67th बीपीएससी जिसका इंतजार लगभग हम सब लोगों को है, और बीपीएसओ सीडीपीओ तो ये आपका अक्टूबर मंथ और मई जून में है, ठीक है। तो ये हम लोगों के आने वाले समय में एग्जाम है जो कि होने वाले हैं। अब जल्दी से जल्दी आप सब लोग ऐप पर भी अपने बच्चे जितने भी हैं फटाफट आ जाओ ताकि हम लोग सेशन की शुरुआत कर सके, ठीक। चलो भाई अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो भी आपके हमारे बच्चे, ममता बेटा गुड इवनिंग, जो यूट्यूब पर है वो लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे और ऐप वाले बच्चे रेटिंग जरूर कर देंगे, ठीक है ना। हाँ रेटिंग जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलो भाई अब हम लोग शुरुआत करते हैं। अब आपके सामने देखो पहला सवाल आ गया है और जो पहला सवाल है वो ये है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था वो किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था, है ना, यानी कि किस घटना के कारण जलियांवाला बाग कांड हुआ था। चलो भाई जल्दी से आंसर शुरू कर दो। आलिया ने शुरुआत की, आलिया गुड इवनिंग, रविशंकर गुड इवनिंग, आदिति बहुत अच्छे बेटा शाबाश वेल डन, फटाफट आंसर शुरू। सुशीला रंजना भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। यूट्यूब वाले बच्चे भी फटाफट बच्चों शेयर करो सेशन को, लाइक करो और अपना भी आंसर देना शुरू करो। देखो हमारे
ऐप वाले बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। दीपक गुड इवनिंग, सुमित, रविशंकर, ममता ने भी आंसर दे दिया भाई, बहुत अच्छा। ठीक है दीपक गुड इवनिंग बच्चे। चलो माधव बहुत बढ़िया। और YouTube पे बच्चों जल्दी जल्दी जुड़ो यार, है ना। हाँ जल्दी जल्दी आओ भाई, समय भी हो गया है लगभग 5 मिनट के आसपास का हो रहा है। ठीक है बहुत बढ़िया। MBK मौर्य बेटा गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया, तो आप लोगों ने अपने पहले सवाल का जो आंसर दिया वो आंसर दिया है आप लोगों ने, बी और सही भी है ये आपका। गुड इवनिंग बेटा तानिया, रोलेट एक्ट बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है तो देखो था क्या, 1919 में 18 मार्च 1919 की बात है कि एक कानून लागू किया गया भारत में जिसे हम लोग रोलेट एक्ट, रिंकी बच्चे गुड इवनिंग, जिसे रोलेट एक्ट के नाम पर जानते हैं। और चूंकि ये कानून इंग्लैंड के एक रिटायर जज के द्वारा बनाया गया जिनको सिडनी रोलेट के नाम पर जाना जाता है, और जिसमें काफी बड़ी संख्या में पंजाब पर होता नहीं प्रतिबंध वगैरह लगा दिए गए और काफी कुछ घटनाएं हुई, और इन सभी घटनाओं का एक जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। सुजीत बच्चे गुड इवनिंग, सिद्धि गुड इवनिंग। ठीक है तो गांधी जी ने और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जलियांवाला बाग का जो रॉयलेट एक्ट है इसके खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 13 अप्रैल को एक घटना होती है जलियांवाला जो बाग कांड है, हाँ ये आपका 13 अप्रैल को शुरू होता है, 13 अप्रैल के दिन होता है। और हुआ ये कि इससे पहले अगर बात करें तो 6 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको पंजाब जाने से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। और 9 अप्रैल की अगर बात करें तो 2 पंजाब के जो लोकल लीडर जिनको डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कहा जाता है, देखिए दोनों नाम अगर आप ध्यान से देखो तो एक हिंदू लीडर और एक मुस्लिम लीडर, ये जो रॉयलेट एक्ट के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता है और जो गांधी जी की पूरी राजनीति का एक सबसे बड़ा ताकतवर जो हथियार है वो हिंदू मुस्लिम एकता है। तो गांधी जी ने इसका एक होता नहीं एक सबको इकट्ठा किया, सब लोग आ जाओ ये भारतीयों के ऊपर पाप प्रहार है। तो 13 अप्रैल जो कि बैसाखी का त्यौहार होता है तो पंजाब में इसका एक्ट का बड़ा विरोध हो रहा है, और पंजाब में इस एक्ट के बड़े विरोध को क्योंकि ये दो नेता पकड़े गए हैं जिनको बंद कर दिया गया है ना। अब कुल मिलाकर इस कांड के विरोध के लिए यानी कि रॉयलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्यौहार मनाने के उद्देश्य से लोग इकट्ठा हुए। जनरल डायर, ध्यान रखिएगा गोली चलाने का जो आदेश दिया गया वो जनरल डायर के द्वारा दिया गया। तो जनरल डायर के द्वारा इस बाग में आने जाने का एकमात्र रास्ता, क्योंकि इसके ठीक सामने आपका गोल्डन टेम्पल है, और ठीक अगर देखा जाए तो मैं अपने हाथ के इशारे से बताऊं तो कुछ ऐसी पोजीशन है, देखिए ऐसे आमने सामने ये आपका गोल्डन टेम्पल है और ये जलियांवाला बाग है, तो आमने सामने है ये। तो अगर इनकी पोजीशन को देखा जाए तो इनको इस बाग में जाने का एक पतला सा गलियारा है, पब्लिक उससे जा सकती आ सकती, और अब इस बाग में पब्लिक प्रवेश कर जाती है। शाम को करीब 4:30 बजे का समय है और लाला हंसराज भाषण दे रहे हैं, पब्लिक को सब होता नहीं संबोधित कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है कानून गलत है। इसी बीच जनरल डायर अपनी 3 बख्तरबंद गाड़ियों में करीब 80 सैनिकों के साथ वो प्रवेश करता है, पूरे बाग के रास्ते को रोक लिया गया और गोली चलाने का आदेश दे दिया गया है। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली हैं, 1650 राउंड गोलियां फायरिंग की गई हैं, ढेर सारे लोग घायल हुए, ढेर सारे लोग मर गए हैं। अंग्रेजी रिपोर्ट मानते हैं तो कुल मिलाकर 379 के आसपास आंकड़ा बताया जाता है। 1600 गोलियां निकलने में अगर सिर्फ 400 लोग घायल और मरने वालों की संख्या तो बड़ा खराब निशाना रहा होगा उस जमाने के सैनिकों का। तो ओवरऑल अच्छा, फिर जो लोग कुएं में कूदे, फिर और जो घटनाएं हुई, तो कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तहकीकात कमेटी जो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, तो तहकीकात कमेटी तो कहती साहब घायलों की और मरने वालों की जो तादाद है वो तो करीब करीब 2000 से ऊपर है, अंग्रेज तो गलत आंकड़ा दे रहे हैं। तो जलियांवाला बाग जो रॉयलेट सत्याग्रह है आपका, रॉयलेट कानून के खिलाफ जलियांवाला बाग कांड में विरोध किया गया है, और जब गोली चलाई गई तो 30 मई 1919 को हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि भी वापस कर दी। तो आप लोग ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, रॉयलेट सत्याग्रह का जो आपका इशू था जलियांवाला बाग कांड उससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं।
बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना गया जब, मतलब कब से जाना गया? अब जल्दी से बताइएगा भाई। चंदन बेटा गुड इवनिंग, चलिए आप लोग जल्दी से आंसर करिए और यूट्यूब पे बेटा जल्दी जल्दी इकट्ठा हो जाओ भाई बच्चों, है ना। चलो जल्दी से आंसर करो, कितने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आंसर के शेयर में को, मतलब क्वेश्चन आंसर के सेशन में कोई करता होगा। बहुत बढ़िया अमृत, सुशीला, रंजना, बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी, आनंद, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सुमित, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ममता, रोहित, माधव, स्वीटी, गौरव, कोमल, आदिति, पल्लवी, सुमित, पल्लवी बेटा गुड इवनिंग, चलो बहुत बढ़िया, चंदन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सुनिधि बहुत बढ़िया बेटा, शार्क, मौसम, कृष्णानंद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, रिंकी, दिव्या, शाबाश, बहुत अच्छे, आदित्य गुड इवनिंग बेटा, आदर्श गुड इवनिंग, ईशाना बेटा गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो देखो बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो उनको लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी, तो वो आपका दिया गया था जो आपका रेंड मर्डर केस जो था इसको लेकर, है ना, यानी हम लोगों का जो सी ऑप्शन है वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो हुआ ये कि 1897 में एक जिसे कहते नहीं अंग्रेजों की भाषा में अगर बात करें, भारतीयों की भाषा में बात करें, अंग्रेजों की भाषा में करें, तो जो एक क्रांतिकारी दल था जिसे नाम दिया गया था व्यायाम मंडल, तो बेसिकली व्यायाम मंडल जो कि तिलक साहब के इंस्पिरेशन से बनने वाला एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था, ठीक है, तो उनकी अगर बात करते हैं तो वहां पर एक संस्था बनी जिसको बनाने का काम किया गया था चापेकर ब्रदर्स के द्वारा। अच्छा, इस बीच जो है पुणे के इलाके में फैल गया है प्लेग, और प्लेग जब फैल गया तो जो प्लेग कमिश्नर हुआ करते थे रेंड और आयर्स्ट, उनमें से जो रेंड है उनके ऊपर जो कि आपके डिप्टी कलेक्टर के पद पर आते हैं, तो उनको उन्होंने क्या किया कि प्लेग रोकने के चक्कर में होता नहीं है लोगों को घरों से बाहर निकलवा दिया और घरों को जला दिया, और जो घर से निकाले गए उन लोगों के रहने का कोई इंतजाम नहीं, बस उन्होंने अपना एक क्रूर अत्याचार जिसे कहा जा सकता है तो वो फैला दिया। प्रिंस बेटा गुड इवनिंग, मिस्टी बेटा गुड इवनिंग, एक क्रूर अत्याचार किया गया, इस बात से बड़ी नाराजगी होती है लोगों में, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर रेंड पर गोली मार दी गई, गोली मार दिया गया उनको, और तिलक साहब को इस पूरे घटनाक्रम के लिए उनको गिरफ्तार कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। तो जब वो जेल से वापस आते हैं इस कांड को लेकर, उन्हें जिसे कहा नहीं था भारत में अशांति का जनक कहा जाता है, तो जब वो जेल से बाहर आए तो उनको अब एक बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनकी बात होती है, और इसी घटना के बाद उनको लोकमान्य तिलक का, जिसे कहते हैं लोकमान्य यानी सभी में प्रिय, तो लोगों का नेता के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। 1905 तक आकर देखेंगे जब स्वदेशी मूवमेंट आएगा तो लोकमान्य तिलक ही होंगे जो अपने इस उपाधि को, जो किसने दिया, किसने उनको इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया इसकी जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ जो लोगों ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी उसमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जो स्वदेशी आंदोलन चला 1905 में, उसमें इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव को पूरे भारत में, है ना, बंगाल के विभाजन के खिलाफ उठने वाले आंदोलन में महाराष्ट्र के त्योहारों को जोड़ दिया गया, ये कहीं ना कहीं उनका जो एक लोकमान्य, यानी लोगों ने अपने प्रिय नेता के तौर पर जिनको स्वीकार किया था वो जस्टिफाई कर रहा था। तो काफी कुछ आप देखोगे बड़े नेता के तौर पर दिखाई पड़ेंगे। और अगर नेशनल मूवमेंट की बात करूं तो पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दो ही लीडर ऐसे हैं जिनको पब्लिक लीडर के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है, एक आपके बाल गंगाधर तिलक और एक आपके महात्मा गांधी। रीना बेटा गुड इवनिंग, ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है देखो कि नीचे दिए गए
जो आपके ऑप्शन है इनमें जो राष्ट्रवादी आपके नेशनलिस्ट पेपर्स हैं उनकी अगर बात किया जाए तो उनके फाउंडर्स के नाम जैसे हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक, इनके एडिटर के तौर पर सीक्वेंस आपको ढूंढना है जो सही हो। ठीक है, चलो भाई सर आंसर शुरू करो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, चलिए भाई शुरुआत करिए। ठीक, और YouTube पे बेटा बच्चों मैं फिर से कहूंगा जल्दी जल्दी इकट्ठा हो भाई, नंबर कम है। मौसम बहुत बढ़िया भाई, शुरुआत किया मौसम में, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन, शाबाश। आलिया वेरी गुड, सुशीला बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। स्वीटी, अनु, रंजना बहुत अच्छा, सना बेटा गुड इवनिंग, आदर्श बहुत बढ़िया, सिद्धि बहुत अच्छी, आनंद, पल्लवी, आदिति, सुमित, रोहित भाई बहुत बढ़िया, शाबाश, शार्क, एम बी के मौर्य, ईशाना, कृष्णानंद बहुत अच्छा। ओम प्रकाश वेरी गुड, शाबाश, चलो भाई। संगीता बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे दिव्या, बहुत अच्छे माधव, रीना, और रीना बेटा गुड इवनिंग, रिमझिम गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, अमृत वेरी गुड। चलो भाई हम लोग अपने सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर है वो आंसर हो जाएगा डी, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही होगा, यानी जो हिंदू पेपर है उसे जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा पब्लिश किया गया, केसरी जो पेपर है आपका ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया था, है ना, केसरी जो था आपका ये मराठी भाषा में छपता था, बंगाली आपके एस एन बनर्जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, ये इंग्लिश में छपा करता था, हिंदुस्तानी जो पेपर था हिंदुस्तानी ये आपका गंगा प्रसाद वर्मा जी के द्वारा होता था, और सुधार आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र हुआ करते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले तो वो हैं जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किया 1905 वाले दौर में। ठीक है, तो चलिए भाई, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो हिंदू जैसा मैंने बताया जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली एस एन बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा जी, और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आंसर किया भाई सब लोगों ने। ठीक, अगले सवाल पर आते हैं भाई। अगला सवाल है प्रार्थना समाज, युवा भारत, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदयासन, हरिओम बेटा गुड इवनिंग, ये जो सारे हैं इनके इनका भी एक सीक्वेंस आपको सही सही ढूंढना है कि कौन कौन इसके फाउंडर के तौर पर हैं, तो जल्दी से बताइएगा भाई, शाबाश वेल डन, चलो आंसर निकालना शुरू भाई। पुष्कर गुड इवनिंग, ठीक है फटाफट आंसर करो बच्चों, बहुत बढ़िया आलिया, शाबाश बेटा वेरी गुड, अनु, आनंद, सुशीला भाई हमारे, हाँ रोहित, रोहित बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश रोहित ने शुरुआत किया आंसर का, मौसम बहुत अच्छे, सिद्धि बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, पल्लवी वेल डन, बहुत बढ़िया, संगीता वेल डन, पुष्कर गुड इवनिंग बच्चे, बहुत बढ़िया, रीना, कृष्णानंद, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, रोशन बेटा गुड इवनिंग, आदर्श, आनंद, वाह क्या बात है भाई, चलो भाई तो अब लोग अपने, अमृत वेरी गुड, मनोज बहुत अच्छे, ठीक है वो बेटा शेड्यूल लगता है, शेड्यूल के हिसाब से क्लास होगी मनोज, होगी क्लास, परेशान मत होना। कृष्ण मोहन बेटा गुड इवनिंग, ठीक है चलो हम लोग अपने सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो देखो हम लोगों का जो सवाल है जिसमें कई सारे संस्थाओं के नाम दिए गए हैं इनकी अगर बात करते हैं तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, प्रार्थना समाज। इसको बनाया गया था आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। यंग इंडिया, यंग इंडिया एक मैगजीन थी, किताब थी, जिसे मोहनदास करमचंद गांधी यानी अर्थात हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था।
फिर इसके बाद आपका लोक हितवादी के नाम से कौन जानते जाते थे, तो एक आपके सोशल वर्कर हुआ करते थे महाराष्ट्र से, गोपाल हरि देशमुख, उनको लोक हितवादी के नाम पर जाना जाता था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा जो आपके पिछड़े वर्ग से या दलित वर्ग से जो लोग जुड़ते हैं उनके लिए एक संस्था बनाई गई थी, और पारसी समुदाय के द्वारा रहनुमाई मस दयासन जो बनाया गया था ये नौरोजी फरदौन जी के द्वारा बनाया गया था। जो बी ऑप्शन है वो हम लोगों का करेक्ट है, बिल्कुल सही है, और ये बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अलग अलग संस्थाएं हुआ करती थी। ठीक है, वो बेटा शेड्यूल जब लगेगा तो क्लास होगा मनोज, परेशान ना हो बेटा, क्लास होगा आपका, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक, तब अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो था वो राष्ट्रवादी नहीं था, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं था। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करो बच्चों, किसको नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं कहा जाता। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, आलिया ने शुरुआत की है, संगीता भाई, आलिया बहुत अच्छी बेटा, अनु बहुत बढ़िया, मौसम बहुत अच्छे, वेरी गुड, रोहित क्या बात है, हरिओम। ये क्लास बेटा मेरी रोज, हरिओम, मेरी क्लास रोज शाम को 4 बजे और शाम 6 बजे। ठीक है, 4 बजे वाली क्लास जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कर रहे हैं, और 6 बजे वाली क्लास में हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रोज शाम 6 बजे और 4 बजे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक में। ठीक है शेखर बेटा, गुड इवनिंग, चलो बहुत बढ़िया, वेल डन बच्चों, वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप लोग रोज शाम को, हाँ रोज शाम को 4 बजे और 6 बजे है ना, आ जाया करिए क्लास में। ठीक है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन, ढेर सारा नॉलेज होता है, एनहांस होता है, और उसी के लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलो, तो अपने सवाल का जवाब अगर हम लोग लेते हैं कि साहब कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो वो था आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चों ने डी ऑप्शन किया है, ठीक है ना, तो जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही, और जिनका कोई और है तो परेशान मत होइएगा। अभी देखो, ठीक इससे पहले वाला सवाल देखें तो वहां पर हम लोग ने देखा था ना, राष्ट्रवादी की अगर बात करते हैं तो देखो, हिंदू था राष्ट्रवादी समाचार, बंगाली राष्ट्रवादी, मराठा ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया जा रहा था, ये आपका जो था अंग्रेजी भाषा में छपा करता था, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिस्ट समाचार पत्र के तौर पर नहीं आता है। ठीक, 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया को सबसे पहली बार रॉबर्ट नाइट के द्वारा पब्लिश किया गया था, और 1947 तक ये न्यूज़पेपर अंग्रेजी सरकार का समर्थन करता रहा, यानी कभी भी उसके खिलाफ नहीं गया। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा, वेल डन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल है, रजनी पामदत्त एक बहुत बड़े इतिहासकार है, तो रजनी पामदत्त उन्होंने कहा साम्राज्य के साथ, साम्राज्यवाद के साथ लड़ाई और सहयोग किया, वह किस राजनीतिक समूह का जिक्र कर रहे थे, उनके इस स्टेट में उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को, जिसे कहते नहीं टारगेट करना या जिसको एम्फसाइज करना, तो किसको किया था उन्होंने। चलो भाई बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। यानी जरूरत पड़ने पर वो साम्राज्यवाद का विरोध भी कर रहे थे और सहयोग भी कर रहे थे, रजनी पामदत्त के द्वारा एक आरोप लगाया गया था। बहुत बढ़िया, वेल डन भाई, मौसम क्या बात है, आदित्य, आदिति, आनंद, रीना, रिंकी, रिंकी, कोमल, जूही, बहुत अच्छा, ओम प्रकाश, अमृत, सना, रोहित, वर्षा, बहुत अच्छे, मनोज, ममता, शेखर, कृष्णानंद, आलिया, संगीता, शार्क, बहुत अच्छा, माधव, अनुराधा, वेरी गुड, जूली बेटा गुड इवनिंग। चलो, तो हम लोग अगर बात करते हैं कि जिस एक पॉलिटिकल पार्टी पर रजनी पामदत्त ने कहा ये साम्राज्यवाद के साथ लड़ाई भी कर रहे थे, है ना, और सहयोग भी कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे, तो वो आरोप लगाया था उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, खासकर तब जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, गांधी जी ने शुरू किया था, और असहयोग आंदोलन जो है वो फिर इसके बाद 1922 में 5 फरवरी वाले दिन जो चौरी चौरा की घटना होती है
उस घटना के विरोध में उसे वापस भी ले लिया। ठीक है, चलो क्या बात है भाई। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेकर, तो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस को टारगेट किया गया था इस एक उद्देश्य से। रजनी पामदत्त एक बड़े, हमने आपसे कहा ना, एक बड़े लेखक के तौर पर है, एक बड़े इतिहास के लेखक के तौर पर जाने जाते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस मामले में कहा, लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा भाई विरोध है साम्राज्यवाद का, जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्होंने कहा भाई ये तो समर्थन का काम कर रहे हैं, तो इसलिए रजनी पामदत्त ने विरोध किया हुआ था। चलो चलो भाई, बहुत अच्छा अभिजीत बेटा, गुड इवनिंग। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है 1875 के दक्कन के जो दंगे हैं उसके जो तात्कालिक कारण, इमीडिएट जो कॉज थे, वो कौन कौन से थे? चलो बताओ बच्चों, दक्कन का जो कारण था दंगे का, उसका कारण बताइए। भाई सूरज बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बहुत बढ़िया भाई, रंजना, आदिति, रोहित, वेल डन बेटा, आनंद, पल्लवी, ओम प्रकाश, मनोज, सना, अमृत, जूही, वर्षा, दिव्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई बहुत अच्छी, वेल डन आलिया, वेरी गुड। ममता बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हरिओम। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग अपने इस सवाल के जवाब को ले लेते हैं, अपना आंसर ले लेते हैं। तो देखो 1875 में जो दक्कन के दंगे थे उसका जो तात्कालिक कारण था, वो तात्कालिक कारण था धार्मिक सुधारों के जो किए जा रहे थे, जो होता नहीं एक थोपे जाने का, जबरदस्ती वाली बात करने का, तो उसका विरोध कर रहे थे। सुखलाल बेटा गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पर जो ऑप्शन, सॉरी मैंने वो बोल दिया, जो आपका हाई लैंड रेवेन्यू रेट चल रहा था, सी ऑप्शन होगा, मैं एक्सप्लेन जो है वो डी कर बैठा, सॉरी। ठीक है, तो आपका सी आंसर है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जो टैक्स रेट बढ़ाए जा रहे थे, जबरदस्ती होता नहीं है, जमींदारी प्रथा के तहत जो है एक तरीके से बड़ा तेजी से लगान की दर, और खासकर जो यहाँ पर आप देखोगे जो कृषक वर्ग है वो आपका मुस्लिम वर्ग सोसाइटी से आता है, जो जमींदार है वो आपके हिंदू वर्ग से आते हैं, तो एक ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बन रहा था, और टैक्स काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा था, जिस वजह से वहां पे जो दंगा हुआ वो शुरुआती दौर में उसका कारण यही बना था, तात्कालिक कारण जो था वो यही था। तो दंगों का मुख्य कारण ये जो था, ये आपका हाई टैक्स रेट की अगर बात करें उसको लेकर किया जा रहा था। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छे, अगले सवाल पर आते हैं। नील विद्रोह, इसके बारे में बताइए, नील विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह जो किया गया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा, है ना, जिसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसको नील दर्पण के नाम पर जाना जाता था, जिसे दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था। देखो इतने सारे क्लू मैंने आपको दे दिए, ठीक है, चलो जल्दी से बता दो भाई। बहुत बढ़िया आलिया, वेल डन बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे सुशीला, वेल डन। दक्कन बेटा बहुत बड़ा रीजन आ जाएगा, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, दक्कन में आपका जो कोंकण का पूरा रीजन आ जाएगा, है ना। बहुत प्रियंका बेटा गुड इवनिंग, बहुत अच्छे। आदिति, मौसम, ममता, बहुत बढ़िया। वर्षा, माधव, बहुत बढ़िया भाई, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रोशन, क्या बात है। सिद्धि, बहुत बढ़िया। पल्लवी, चलो भाई, तो अगर हम लोग बात करें अपने नील विद्रोह को लेकर जो हुआ था, ठीक, तो नील विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण था कि किसान नील उगाना नहीं चाहते थे, उसके कई कारण थे। तो जितने इलाके में नील उगाई जाती है वो जमीन बंजर हो जाती, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। अच्छा, जिस वक्त नील की खेती तेजी से बढ़ी उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में नील के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, है ना। हाँ बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सही है, नील के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन आगे चलकर
नील के दाम बड़ी तेजी से गिरने लगे थे, एक परेशानी। दूसरा, इससे खेती को बड़ा नुकसान, यानी खेत जो हो रहा था हमारा वो हो रहा था बंजर, तो किसान कुल मिलाकर अच्छी कीमत नहीं मिल रही थी। दूसरी चीज होता नहीं है कि इससे जमीन भी खराब हो रही है। नील की खेती जिस इलाके में की जा रही वो इलाका चावल की खेती के लिए ज्यादा मुफीद है। चावल आपका कम से कम ऐसे मौके पे जब सूखा अकाल पड़ता है तो स्टोर करके रख के आप खा तो सकते हो, जीवन निर्वाह कर सकते हो, नील से तो काम नहीं हो पाएगा। तो कई सारे कारण बने जिसकी वजह से नील का विद्रोह किया गया। और नील विद्रोह आप दो बार पढ़ोगे, एक तो मैंने बताया नील दीन बंधु मित्रा वाले जमाने में भी, तब भी यही कारण बन रहा था। और आप आगे चलकर देखोगे तो जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, चंपारण में भी यही आपका कारण बन रहा था उस दौरान भी। तो नील की खेती का जो प्रमुख विद्रोह रहा है वो इसी बात को लेकर रहा है कि साहब किसानों के लिए एक नुकसानदायक। नील दर्पण बेटा दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था, जो नील दर्पण किताब है उसको दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। चलो भाई, तो आज जो हम लोगों का ये है, 1859 में नील विद्रोह हुआ था, बंगाल में हुआ था, जिसे हम लोग कह सकते हैं दो भाई हुआ करते थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा इसका विरोध किया गया था। पाबना क्षेत्र में आप देखोगे तो कादर मौलाना और रफीक मंडल, इन लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। तो एक बड़े लेवल पर आप देखोगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, काफी कुछ इसके बारे में लिखा गया है ना। चलो भाई, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे 4:00 PM। और देखो ग्रेडअप पर आपको इतने सारे स्टेट PCS की तैयारी कराई जा रही है, तो आप जल्दी से जल्दी ग्रेडअप के साथ जुड़ जाएं। और आप देखोगे कि ग्रेडअप सुपर जो है वो आपके लिए 3 अलग अलग प्लान लेकर आया, जिसमें आपको जो भी अच्छा लगे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब पर हैं वो लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों, लाइक जरूर कर देना, ठीक। चलो भाई, साथ ही साथ जो हमारे ऐप पर बच्चे हैं वो लोग रेटिंग जरूर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आपको किसी भी क्लास में एक्सेस करने का, जो कि अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको मिलेगा, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल पाएंगी। ये देखो हमारी फैकल्टी है जो कि आपको मार्गदर्शन देंगी अलग अलग क्लास में, जो आपको फ्री क्लास दी जाती है ना। तो उनका फायदा उठाइए, ग्रेडअप के साथ जुड़िए और अपनी तैयारियों को, अपने भविष्य को एक होता नहीं अच्छा सा रास्ता दिखाइए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे तो कल हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। अभी 6 बजे भी क्लास होगी, उसको मत छोड़िएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसपे हम लोग बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आज इतना ही रखते हैं, कल फिर 4:00 PM आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक। बेस्ट ऑफ।